फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माधुरी वाला किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही पनीर। वो शाही पनीर अगर आप रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे तो 300 रुपये प्लेट शाही पनीर खाएंगे। तो आज हम घर पे ही बनाते हैं, तो चलिए हम शाही पनीर बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमने 6 से 7 ग्राम पनीर ली है और 2 हमने टमाटर लिए हैं, 3 प्याज है, कुछ लहसुन की कलियाँ हैं और कुछ अदरक के टुकड़े हैं और 5 से 6 हरी मिर्च है। तो हम चलते हैं पनीर को तलने के लिए। हमने कढ़ाई ली, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है तो हमने इसमें 2 स्पून ऑयल डाले हैं। तो अब इसमें हम पनीर को डालेंगे। एक ही बार में हम सारे पनीर को डाल लेंगे और इसको हम फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का सा पकाना है। और इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं कि ऑयल अच्छे से मिल जाए और इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। और हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बहुत हल्का हल्का सा पकाना है। जब तक हमारी पनीर पक रही है तब तक ये जो है कि प्याज टमाटर इन सबको हम चॉप कर लेंगे। देखिए हमारी पनीर जो है कि पक चुकी है, हमको बिल्कुल ऐसी ही पनीर चाहिए थी और ये पक चुकी है। मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसके बाद मैं सब्जियों को भी धो लूँगी। तो ये हमने गरम दूध लिया है, हम पनीर को इस गरम दूध में निकालेंगे। अगर आप दूध नहीं पसंद करती हैं तो गरम पानी ले लीजिएगा और उसमें आप निकाल लीजिएगा। और आपके पास अगर घर में फ्रेश मलाई होगी तो आप वो भी उसमें डाल सकते हैं। और ये मेरी जो है पनीर है, ये थोड़ा घर की है, घर की पनीर फटी हुई है। तो मैंने सारे पनीर को जो है निकाल लिया है। अब मैं फिर इस पैन में 1 चम्मच ऑयल डालूंगी, रख देती हूँ। हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, तो ये जो है कि हमारे कुछ काली मिर्च हैं और ये 1/2 चम्मच जीरा है, ये 4 जो है कि हरी छोटी इलायची है, ये बड़ी इलायची है और कुछ ये नारियल के टुकड़े हैं और 3 मैंने लाल मिर्च ली है, ये तेज़पत्ते हैं और ये कुछ काजू है और ये दालचीनी है। फिर मैं इसको तो हम जीरे को डाल लेते हैं पहले, फिर इसके बाद हम तेज़पत्ता डालेंगे और ये रेड वाली मिर्च है, लाल मिर्च, और फिर ये काली वाली मिर्च है ये छोटी इलायची है, ये बड़ी है और ये दालचीनी का टुकड़ा है, ये कुछ नारियल के टुकड़े हैं मैंने काट लिए थे और ये कुछ काजू है। इसको मैं डाल के फ्राई कर लेती हूँ पहले। ये जो है कि हमारे खड़े मसाले भून चुके हैं और मैं लहसुन की कुछ कलियाँ हैं मैं इसको इसमें भून लेती हूँ और ये अदरक है, ये 5 से 6 हरी मिर्च है और ये जो है कि मैं प्याज भी डालूंगी इसमें। मैंने प्याज को चॉप कर लिया है, देखिए और मैं प्याज डालूंगी। इसे चला लेती हूँ और इसमें मैं टमाटर, पका हुआ जो टमाटर है मैं इसको भी इसमें डालूंगी। और इसको मैं मिला लेती हूँ क्योंकि सब्ज़ी तो बहुत अच्छी बनती है। पहले तो हम सीख के हाथ से ही सब्ज़ियाँ बनाते थे, शाही पनीर पूरी त्योहार पर बनता था, कोई फंक्शन है, लेकिन मेरा मन किया तो मैं बना रही हूँ, मैं करती हूँ। और मैं आपको दिखाऊंगी कि आप अगर लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं तो फिर आप
कैसे बनाएंगे और उसका टेस्ट कैसे लेकर किया जाता आएगा मैं आगे आपको बताऊंगी। और उसका भी बहुत ही आसान है बनाना, बिल्कुल सरल है। तो इसे मैं ढक लेती हूँ और थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ इसमें। इसमें मैंने एक चम्मच नमक लिया है जिससे कि हमारी सब्जियाँ जो है टमाटर प्याज अच्छे से गल जाएंगे। तो मैं इसे मिला लेती हूँ अच्छे से और ढक के थोड़ा सा इसमें मैं पानी भी ऐड करूँगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो मैंने एक कप पानी लिया है, इसको मैं डालती हूँ इसमें कि सब्जियाँ थोड़ा हमारी जल्दी पक जाएंगी। इसे मैं ढक करके 6 से 7 मिनट तक छोड़ देती हूँ और फ्लेम को मीडियम रखूँगी। यह हमारी जो है कि पक चुकी है, टमाटर गल चुका है, प्याज गल चुका है। तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद हम मिक्सी जार में पीसेंगे, क्योंकि गरम गरम नहीं पीसेंगे, हाथ जलने का डर रहता है और मिक्सर से जो बहु के निकल जाएगा ना तो हमारा मिक्सर उक्सर सब खराब हो जाएगा। तो हम इसे ठंडा होने देते हैं, इसके बाद ही हम पीसेंगे। प्याज और टमाटर, ये सारी सब्जियाँ हमारी ठंडी हो चुकी हैं तो हम इसे पीस लेते हैं। मसाले को हमने पीस लिया है देखिए, और हम अब इसे भूनने के लिए चलते हैं। मसाला लिया है, ये हमारा लाल मिर्च है और ये हमारा जीरा पाउडर है, ये 2 चम्मच हमने छोटे चम्मच से हल्दी पाउडर लिया है, और ये हमारा धनिया पाउडर है, 1 चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, और ये जो है कि ये हमारा काश्मीरी लाल मिर्च है, इसे कलर जो है कि बहुत अच्छा आता है। तो हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है, हमने तेल को डाल लिया है, ये गरम हो चुका है। तो इसमें हम हल्दी डाल देंगे, ये जो है लाल मिर्च है, ये जीरा है, ये धनिया और ये गरम मसाला है, और इसको हम भून लेते हैं हल्का हल्का। मसाला जो हमने पीस लिया था, आप चाहें तो छन्नी से छान भी सकते हैं, छान के भी डाल सकते हैं। और ये जो है मसाला हमारा तैयार है, इसको भी इसमें हम डाल के भून लेते हैं। और इसे हम मिला लेते हैं अच्छी तरह से। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लहसुन प्याज ना डालना चाहें, बिना लहसुन प्याज का बनाना चाहें, अक्सर सावन के सोमवार में अक्सर सावन में लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो आप इसमें क्या करिएगा कि बेसन को भून कर और इसमें जब आप मसाला भूनिएगा तो उसमें डाल दीजिए, लेकिन भुना हुआ बेसन होना चाहिए। 1 से 2 चम्मच आप डाल देंगे तो लहसुन प्याज का बिल्कुल टेस्ट आएगा उसमें। सब पानी भी डालेंगे, जो मसाला डब्बा में लगा हुआ था उसी को हम धोल के डालना है। इसको अच्छे से मिला लेते हैं, फ्लेम को हम मीडियम रखते हैं, और इसमें हम थोड़ा सा आधा चम्मच चीनी है इसको भी हम इसमें डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच में हमारा 1 चम्मच नमक है, तो नमक भी इसमें हम डालेंगे। नमक तो हमने पहले डाला हुआ था लेकिन वो कम पड़ जाएगा, तो स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। और मीडियम फ्लेम पर इसे रख देते हैं पकने के लिए 7 से 8 मिनट तक। तो ये मसाला हमारा पक चुका है, देखिए ऊपर ऊपर तेल जो छोड़ दिया है। तो हम अब इसमें पनीर को डालेंगे,
और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे हम ढक करके पनीर डालकर भी हम इसे पका लेते हैं अच्छे से। तो हम ढक कर इसे 10 से 12 मिनट तक इसे पका लेते हैं। हमारी पक चुकी है और ऊपर तेल भी छोड़ दिया है तो ये अच्छे से पक चुकी है। मैं गैस को बंद कर देती हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो हमने पनीर को सर्व कर लिया है और हमने ये फ्रेश मलाई ली है, इस पर हम गार्निश करेंगे। देखिए अब देखिए ये हमारी शाही पनीर बन करके तैयार हो गई है, कितनी टेस्टी देखने में लग रही है। और आप चाहें तो घर पर ही 50 रुपये के दूध से 300 रुपये प्लेट की शाही पनीर घर पे ही बना सकती हैं। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे आगे क्या बनाना है आप ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।